जी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी आ रही सर। चलिए ये मैं एक दिखा रहा था कि ये छोटा सा एक डैशबोर्ड देखे आप, ये किसी ने पावर बीए में बनाया हुआ। अभी लिंक्डइन पे मेरे साथ है बहुत सारे लोग, वो एक डेटा देते हैं, उस डेटा के ऊपर कहते हैं जी आप एक सैंपल बनाए, तो वो एक ये पावर बीए का डैशबोर्ड तो फ्री में लिंक्डइन बना जबरदस्त। सकते हैं। ठीक, इसमें उन्होंने ये तीन चार फिल्टर्स डाले हुए, एक एग्जाम्पल है। तो एक्चुअली मेरा अभी पावर भी एक नहीं, अभी मैं आप लोगों को गूगल शीट का कुछ करके देखते हैं। और मैं फाइल को अग्निटो में खोलता हूँ। तो मोजिला में खोल देते हैं ताकि वो फाइल उसी में खुल जाए। शीट नजर आ रही है जी? जी जी सर। आ जी रही है सर। सर। इसमें कोई डाटा हम इंपोर्ट कर लेते हैं जी। चले सिंपल करके देख। आपकी कंपनी का नाम क्या उस्मान? सर लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। बल्कि ये थोड़ा डेटा सेट है, इसका फर्क कई और डेटा देखते तो देखने दें। मेरे पास कोई और डेटा पड़ा हुआ है।
ये है जी डाटा। अच्छा मैं एक सिंपल एक इसको कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट कर। जरा पेस्ट हो जाए। डेटा असल में 13,000 है, इस वजह से वो पागल हो गए। चलिए इसका ट्रैक मैं कर लेता हूँ, कहाँ पे है ये? इतना बड़ा डाटा तो नहीं था। चालू पलवान सर कॉपी पेस्ट किया हुआ है? नहीं नहीं मैंने इंपोर्ट किया। अच्छा जी इंपोर्ट किया है तो मेरा ख्याल इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है। वो डाटा सर ज्यादा होगा ना इसलिए शायद टाइम ले रहा। डाटा तो 13,000 सिंपल है, इतना तो मैं रोज करता हूँ। नेट ठीक नहीं चल रहा। फिर नेट का ही होगा क्योंकि इतना तो वो कर ही लेते हैं इंपोर्ट मैक्सिमम 1-1.5 मिनट। नहीं इतना टाइम तो नहीं लगता था, इंपोर्ट का फंक्शन ही इसीलिए। मैं अपने यू फोन से कनेक्ट करता।
ठंडा ही कर दिया इसने। मुझे लगता है बंदे थक गए, उन्होंने देखा कि ज्यादा पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती ना। भाई मतलब ये मैंने जब यू फोन का कनेक्ट किया तो देखो 2 मिनट लगे। हाँ जी अब सही है, ये कोई गड़बड़ है उधर इंटरनेट में गड़बड़। बंदे हैं ये कोई आया नया? सात आ रहे हैं, सात शो हो रहे हैं। सजीव मैगजीन आ गए, मेहर आ गया जी, आ गया है। आप तो कह रहे थे कोई बहुत दूर है। जिस तरह उन्होंने कहा मेरे वैसे ही कह दिए। मैं समझा को मरी नॉर्दर्न एरिया में बंदा फिर रहा हने आंधी में बंदा रास्ता भूल जाता होता है। आंधी आ गई बार। अच्छा चल फरहान कनेक्ट हो जा। चलो जी हो गया, मुबारक हो। फरहान नहीं आ सका, फरहान की बेटी जरा बीमार है तो वो उसको लेके जरा डॉक्टर के पास गया हुआ है। चले कोई बात नहीं, अल्लाह खैर अल्लाह से तंदुरुस्ती दे। तो आज हम ना थोड़ा सा क्योंकि बंदे भी थोड़े हैं तो मैं आपको ओवरलोड भी नहीं, मैं मूड तो किसी और में आया था, ठंडा ही कर दिया मूड। अब मैं ना गूगल शीट का, यार ये क्या कर रही है गूगल शीट, छोटा डाटा ही मैं ले लेता। मैंने भी पंगा ले लिया बड़े डाटा के साथ। अरे छोटे बड़े डाटा का हाथ नहीं डालते है ना? हाँ जी, वो आदत नहीं पड़ी ना, उसमें मजा नहीं आता। वो आपने 5 मिनट में खत्म कर देना, इस पे फिर भी आपको 10 मिनट लग जाने, आप तो कहते हो ज्यादा ही डाटा पकड़े। इसीलिए मैंने ये पकड़ा था कि मैं इस डाटे को करूंगा तो थोड़ा सा हॉस्पिटल डाटा विद मिक्स नंबर्स छोटी फाइल। मैंने तो अपनी तरफ से कहा था मैं उस पर कुछ मेडिकल का है। अच्छा जी, जो आपका वो प्रोजेक्ट चल रहा था वो बंदा उसके साथ फ्रीलांसिंग पे, वो आपका हो गया काम जो आपने एकदम शेयर किया था पहले दूसरे लेक्चर में? हाँ जी हो गया, अभी उसका फिर मैसेज आया था कि कुछ और भी चाहिए अभी थोड़ी देर पहले। हॉस्पिटल वाला जो था हॉस्पिटल से याद आया। हाँ जी हाँ जी, अभी उसने जो मैसेज किया कल कि जी मुझे कुछ और भी काम चाहिए। मैं कह जाम जाम आओ पक्का कार्ड बन गया आपका? उन्हें मेरा जो एक दफा लग जाता खून बाग आप भी पक्के कागज बन जाएंगे, देखे थी सही। अच्छा जी अब मुझे बताएं आप लोगों की शीट नजर आ रही है? सर बन रही है, आप लोगों को शीट नजर आ रही है आवाज? यार मैं इसी को कनेक्ट करता हूँ आज तो, बैकएंड से तो नहीं इंटरनेट का मसला? सर अभी तो ठीक है, चल रहा सही। आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है, आ रही है सर। जी सर आ रही है, इसको ज्वाइन कर। अच्छा जी मुझे बताएं यार ये डाटा बड़ा है, गूगल शीट का साथ चढ़ जाता एक दफा ना क्योंकि डाटा सेट, लेकिन मजा आएगा इसको करने। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरी HR वाली लड़की की कॉल है, अल्लाह खैर ही करे।
सॉरी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर आ रही है। अब मैंने मैंने आधी बात कर दी, बाद में मैंने देखा मेरा माइक म्यूट है। मुझे बताएं, मैं पूछ रहा था कि मैंने करना है इस ई कॉलम में से मुझे यूनिक वैल्यूज यहां पे चाहिए। पहले स्क्रीन शेयरिंग करें, आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन भी नहीं आ रही, अल्लाह खैर तो बेड़े पार। अब आ रही है जी? अब आई है। क्यों हो गया जी? आ रही है सर अब। मुझे बताएं कि ये जो ई कॉलम नजर आ रहा है। जी सर। जी सर, मुझे ई कॉलम में जितने भी महीने आ रहे हैं यूनिक वैल्यूज यहां पे चाहिए, तो मैं क्या क्या स्टेप्स, मुझे कोई बंदा बताए मैं क्या स्टेप करूं कि यहां से मैं यूनिक वैल्यूज वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकूं। यूनिक वैल्यूज मतलब वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है? मतलब फर्ज करें ना, ये जुलाई डुप्लीकेट खत्म करना है। यस, डुप्लीकेट खत्म करना है। स्टेप्स बताएं क्या करूं? सारे कॉलम को कॉपी कर लें, मतलब फ्रॉम जुलाई, मतलब रो नंबर 2 से एंड तक सारे ही कर लेते हैं। अब पहलवान जी कॉपी पे साथ चढ़ जाता गूगल शीट में, आज इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, मैं छोटा डाटा सेट ले लेता इससे तो अच्छा। देखा साथ ही करता साल है। बदतमीजी कर रही है गूगल शीट। छोटा डाटा सेट दूसरा ही है, कितना है इसमें? सर छोटा डाटा ले लिया, आई थिंक वाकई नेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से ना। मैं वही ना, सही कह रहे हैं मैं क्या। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है इस डाटा सेट में? ठहर जे, मैं ना इस को ना ये शीट इस वक्त इंटरनेट पे मसला कर रहा है, मैं इसको एग्जिट पेज कर रहा हूं। ठहर जे, मैं नया नहीं, मैं दूसरा छोटा डाटा सेट इंपोर्ट कर लेता हूं। ठीक, हॉस्पिटल में उसमें थोड़ा डाटा कम है, लेक्चर 2 और 3 असाइनमेंट वर्किंग में, तो वो बड़ा डाटा देख के ना उसको सांस चढ़ गई है, जो पर्पस था वो फौत करी जा रहा है। चले इस पे तजर्बा कर, ठीक है जी। अब मुझे बताएं इस कॉलम में रिपीट वैल्यूज आ रही है ना, ये जिस तरह उसमें थी, ये बहुत सारी मुख्तलिफ आ रही हैं। जी सर। अब इसकी मुझे डुप्लीकेट्स रिमूव करके एक वैल्यू चाहिए, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं, मुझे स्टेप्स कोई बंदा करवाए तो कितने स्टेप्स किए जा सकते। रिकॉर्डिंग हो रही, स्क्रीन क्यों खत्म हो जाती मैं जब उधर आता हूँ। हाँ जी, आप बताएं मैं इस कॉलम को क्या करूं? हमारे पास अमूमन इस किस्म की शीट्स होती हैं, हम लोग जहाँ पे आखिरी रो में डाटा होता है उसके जगह पे पहुँच गया वहाँ पे हम डुप्लीकेट पेस्ट वैल्यू स्पेशल करके उसको फिर हम सिंगल कर लेते होते हैं, यूनिक यानी कि उसमें ले आते हैं। उसके बाद बाकी कॉलम्स की जो नंबर्स आ रहे होते हैं उनका हम समिफ के जरिए अपने पास लिख लेते हैं टोटल के अंदर। चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ए स्पेशल वैल्यू कर दिया, अब क्या करूं? ठीक है, अब डाटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट डाटा एक डाटा में इसमें उस वो होता है एक्सेल में ना, इसमें कहीं और होता है वो देख लेते। अच्छा, फॉर्मेट नंबर रैपिंग मर्ज सेल क्लियर, इसमें नहीं, रिमूव डुप्लीकेट फिल्टर में होगा। फिल्टर में मैंने टूल में डाटा में फिल्टर प्रोटेक्ट कस्टम डाटा
डाटा क्लीन अप में क्या है, ये आगे रिमूव डुप्लीकेट्स, यस ठीक है जी। मैं ये कर देता हूँ, वो कहता सारा, हाँ जी कर दे। सारा करने के बाद ये मेरे पास 520 रह गई है, सही है जी। जी सर 520 ठीक है। अब फर्ज करें ये डाटा किसी बंदे के पास था, ठीक है जी। मैं उसकी कॉपी बना लू। ये डाटा ना किसी बंदे के पास था, ये वाला जिससे हमने डुप्लीकेट रिमूव किए, ठीक है जी। उसने क्या किया, गलती से उसने ये चीज जो सिलेक्ट करके ना, या जो भी गलती हुई उसने ये रोज डिलीट कर दी। अब वो एक एक डाटा खत्म हो गया बीच में से। अब मैं दोबारा से अब मेरे फिर वही स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। अब ये तो हमें पता नहीं है कि उसने जब डाटा भेजा उसके अंदर से वो रोज उसने डिलीट किए हैं। नहीं अभी हो गए ना, नहीं अगर तो आपने अपने पास ये स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि 519 आपकी टोटल रेंज है प्रोडक्ट्स की, तो एज इट इज उतना ही रहेंगे आप समय पर लगाएंगे। नहीं नहीं काम कर दी, मैं यूं बता रहा हूं ना, ये देखिए यहां से जाके देखिए मैंने ये एक ये है, ये एक प्रोडक्ट और है ना, ठीक है जी। ये भी मैं डिलीट कर दूं, डिलीट ठीक है। अब आप देखें जी, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी, ये हमारी कितनी आई थी जना 520 मतलब 519 जी। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसमें जाके डाटा में रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। हम उसमें अब वो 519 है, वो 17 होंगी, दो डिलीट हो गई ना जी। वो ये समझ ले पीछे हमारे ये उस्मान साहब हैं जो अभी हमारे साथ ट्रेनिंग में हैं, ये क्या करते हैं अगले दिन ना एक और चीज कहते हैं काम हो गई, ये भी डिलीट करके भेज देते हैं। अच्छा जी, ये ना हमें रोज ही ऐसे ही हमारे साथ खेली जाती है। अच्छा जी सिलेक्ट ऑल, ठीक। फिर हम क्या करेंगे कंट्रोल सी कॉपी, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे वैल्यूज, फिर हम डाटा में जाके क्लीन अप में रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, हमारे पास 517 ऐसे ही है जी। और अगर अगर ये क्या करें, क्या नाम है इनका, उस्मान साहब, इसमें कोई नई चीज ऐड कर दें और फर्ज कर लेते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग लैपटॉप पे नहीं है ना, असल मसला ये है, नहीं तो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। लैपटॉप पे, लैपटॉप पे है, जो जो लैपटॉप पे वो अपना ईमेल एड्रेस दे जरा। हाँ भाई गूगल वाले, आओ भाई एएचएस एसएन मुबीन आ रहा है, एएचएसएन MUBEEN 15@gmail.com जाओ जी। किसी और का ईमेल एड्रेस जीमेल का है AWLA74@gmail.com सर आप भी अपना खोलें, आपको एक ईमेल आई होगी, इसमें गूगल शीट शेयर हो रहा, कोई और बंदा जिसका इस जीमेल है इस वक्त, हसन आपका भी है सर? मेरा भी है MUHEEDMEDI मोहम्मद हसन इफ्तिखार HASAN हसन IFTIKHAR@gmail.com आपका सर्च क्यों नहीं हुआ?
आ गया, आपको भी ईमेल आती है, आ गई। जी सर आ गई, स्प्रेडशीट शेयर हुई है। हाँ यही वाली जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ। जी यही वाली, यही वाली। ठीक है, अब ये जो डर्टी सेवन वाली शीट है ना, आप एक काम करो, कुछ ये जो रोज है ना इनको कॉपी पेस्ट करो नीचे, ठीक है। इसी तरह रजा साहब आप भी कुछ शीट्स कॉपी, कुछ रोज कॉपी पेस्ट करें और नीचे नीचे करते जाएं, मैं ऐड कर दूं। सर ये मुझे मेल नहीं आई अभी तक। आपको मेल आई नहीं? अब देखें, आपका नो, आपका ऐड ही नहीं हुआ सर, माफी चाहता हूँ। A डबल L A Y A R A Z A R A Z A 76 at G 74 सॉरी, अच्छा फिर मैंने 70 पहले भी 6 तो नहीं कर दिया। ये अब सेंड किया, अब देखें आई आपके पास? जी सर अब आ गई है। ठीक है, अब आप उमेर आप भी कुछ रोज रैंडमली क्या नाम है उस्मान, आपका नहीं है, आपको तो मैंने कर दिया मेरा उस्मान नहीं सर, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है सर। अच्छा लैपटॉप नहीं, ठीक है। अभी और कौन है हमारे साथ वीडियो पे? सर मेरे साथ भी शेयर करते हैं मुनीरा, आपका तो मेरे पास मेरा ख्याल इसमें से आना चाहिए मुनीरा। आगे KHAN 65@gmail.com नहीं सर, 8 है पहले, उसके बाद एट द रेट आएगा। 65 के बाद क्या है? 8 है सर, 6 5 8 8। ठीक है, अब देखते ये वाला। जी 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 सर, ये वाला है, मैंने आपसे भी शेयर कर। थैंक यू। अब आप सारे लोग ना नीचे रैंडमली कोई भी रोज कॉपी पेस्ट करके नीचे पेस्ट, मतलब आप सारे एक ही शीट पे काम कर रहे हैं, इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर दें। जी कर रहे हैं कॉपी पेस्ट सर, रैंडमली कितनी रोज कर लें या जितनी भी, थोड़ी बहुत कर लें, 5 10 15। सारे सारों ने डिलीट करनी है, ओ सॉरी ऐड करनी है, कॉपी करें पेस्ट कर दूं मैं आप लोग भी ऐड करनी, ऐड करनी है सर के कॉपी करनी? नहीं नहीं, मतलब नीचे आपने नीचे पेस्ट करते जाना है, कॉपी पेस्ट, हाँ ऐसे जिस तरह अभी हुई है। जब आप सारे उसी वाले पे जो डर्टी सेवन वाला है उसी के अंदर एंटर करते हैं? हाँ जी, उसी में नीचे पेस्ट कर। अच्छा जी, रजा साहब आपको आ गई? मैंने कुछ कर दिए। ठीक है, रजा साहब आपको भी आ गई? जी सर मैंने की है, 2 बार पेस्ट किया मैंने। बस ठीक है, और उसने भी कर, मुनीरा आपने भी कर दिए? जी जी सर मैंने कर दिया है। ओके, और हसन आपने भी कर दिया? जी हो गया सर। चलो ठीक हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे फिर वही एक्सरसाइज करनी है कि मुझे यूनिक वैल्यूज चाहिए,
ये मैं डिलीट करता हूँ, ये मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, उधर गया, पेस्ट करता हूँ, फिर डाटा में जाता हूँ, फिर मैं क्लीन रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, रिमूव, मेरे पास 517 इस वक्त रह गई, ठीक है जी। अब रैंडमली हर बंदा फिल्टर लगा के ना इस तरह से, मैं फिल्टर लगा रहा हूं, देख लीजिएगा। हेलो, आवाज आ रही है जी? जी सर, जी आ रही है। अल्लाह जाने जी, इंटरनेट को आज क्या तकलीफ है, मैं फिर यू फोन से ही आ गया। अच्छा जी, आप लोगों ने, मैं बता रहा था, अब यहाँ से ना फिल्टर लगा के कोई स्क्रीन शेयर कर लें सर, पहले स्क्रीन शेयर करें सर। ओके, अच्छी बात, टाइम पे बता देते हो। आ गई जी? जी अब आ गई। अब आप लोग यहाँ से फिल्टर लगा के ना, यहाँ से क्लियर का बटन दबाएं और रैंडमली कोई ये कुछ रैंडमली ऐसे सिलेक्ट करें और ये यहां से ऐसे करके राइट क्लिक करके डिलीट रो सिलेक्टेड रोज करके और फिल्टर्स क्लियर सिलेक्ट ऑल करके ये दोबारा से कर दें। अब आप लोग अपने अपने कोई 5-5, 7-7 ऐसी चीजें फिल्टर करके ना डिलीट कर दें। कर रहे हैं जी? जी कह रहे हैं सर। मुझे लगता है मेरे साथ साथ और लोग भी कर रहे हैं तो मेरी पहुंच से बाहर हो जाता है जनाब, काम तेज हो जाता है। मेरा मकसद भी यही था बताने का कि आप एक शीट पे, ये एक शीट हमने बनाई है और आप फील करें कि 200 बंदे इस पे एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं। मतलब अभी मैंने 4 लोगों से शेयर किया ना, आप समझे कबाड़ा हो जाएगा सर। हाँ जी हाँ जी, और कबाड़ा हो जाएगा और हर बंदा रंग बिरंगे काम करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। कोई कुछ डिलीट कर देगा, कोई कुछ डिलीट कर देगा, कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, ऐसे ही पंजाबी कहने वन सम वन ने काम हो रहे ना, वन सम। हाँ जी हाँ जी, करें अभी ऐसे ही हो रहा है। जी जी, हमारे मेरे से ज्यादा बाकियों की स्पीड तेज है। हाँ, पूरी नहीं दे रहे, पूरी पूरी रो डिलीट करनी है और ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं डिलीट करनी, रो भी डिलीट करनी है, पूरी रो डिलीट होनी करनी, बाकी डाटा भी डिलीट करो। हाँ जी, अच्छा कौन क्या कर रहा है ये आपको पता चल रहा है? ये मैं बताऊंगा कैसे पता चलता है। सही सर, ये कलर से पता चल रहा है, जब कलर पे कर रहे हैं तो नाम लिखा हुआ आ रहा है। नहीं आपने जो मैंने हसन आपने अभी बॉक्सेस पे तो कलर आ रहे हैं। yes. ये मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो वो मुझे डायरेक्ट वहां ले जाएगा कि ये कौन बंदा किधर है, ठीक है? yes, नाम आ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा ये देखो मैं जिस पे क्लिक करता हूँ मुझे ले जाता है कि कौन किधर खड़ा है, सर नजर आ रहा है? जी जी जी। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने काम डाल दिया, आपने 200 रोज डिलीट कर दी है, अब मैंने ढूंढनी कैसे कल्प्रिट कौन है जिसने गड़बड़ की है, ये भी तो एक स्टोरी है ना जी। चले अभी अभी आप लोग रुक जाएं, जितना भी आप लोगों ने किया है ठीक है, अभी मुझे फिर से डुप्लीकेट देखने हैं कि कितने हैं, अभी रुक जाए, होल्ड करें, अभी ना करें। मैं फिर मैं वही स्टेप करूंगा ना जी, कंट्रोल सी, बल्कि इधर डिलीट कर दो, पहले इसको डिलीट कर दूं, फिर
फिर यहां से कॉपी करूं, फिर यहां पे पेस्ट करूं कंट्रोल वी, डाटा रिमूव डुप्लीकेट, वो कहता जी 508 रह गए, ऐसे ही है जी। उसमें वो खाली सेल भी काउंट कर रहा है। हाँ जी, खाली सेल भी काउंट कर रहा है। तो खाली इसको अगर हम सॉर्ट कराएंगे, डाटा सॉर्ट ब्लैंक सारा नीचे चला जाएगा, डिस्क्रिप्शन और सी डैश को भी नीचे ले गया। हाँ जी ठीक, उसने कर दिया ना, वो उस हिसाब से कर दिया, ठीक है जी। लेकिन अब अगर हर मिनट बाद कोई बंदा कोई काम कर रहा और मेरे पटाखे निकल रहे हो, 200 बंदे काम कर रहे हो, तो मैं हर मिनट बाद इसका ऐसे चेक करूंगा कितना डाटा, कौन सा रह गया है, कौन सा रह गया है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर एक्सेल में तो आपने पिवट टेबल देखा था, पिवट टेबल लगाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डाटा पॉपुलेट हो जाता था, ऐसे ही। yes. अब कोई और किसी के जेहन में, अभी पहले बता दे बाद में ना, मुझे पता था, कोई ऐसा स्मार्ट वे जो पीछे जो मर्जी बंदे करी रहे और आपका ये वाला कॉलम ऑटो अपडेट होता रहे, किसी को कोई चीज आती हो तो मुझे शेयर करें, मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं बताऊं क्या हो सकता है। एनीवन, कोई ना? नो आइडिया सर। चलो मैं बताता हूँ सर, ये मैंने डिलीट कर दिया सर, यहाँ पे मैंने एक, मैंने सिंपल इस सेल पे आया, मैंने लिखा इज इक्वल टू यू एन आई क्यू यू ई यूनिक, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की और मैंने ये सारे कॉलम सिलेक्ट कर दिया जो आप लोग जिसपे रखते कर रहे थे, ये मैंने एंटर कर दिया। कुछ हुआ जी, नजर आया किसी को? मजा आ गया। अच्छा, ये एक्सेल के अंदर भी ये कमांड है? नहीं जी ये मैंने आपको, इसीलिए मैंने कहा मैं आज आपको गूगल शीट के कुछ मजे बताने लगा। सही, ठीक है जी। अच्छा, अब हम मेन शीट से, मैं एक रो अगर आप अभी कोई हाई डेंट, अब बारी बारी करते ना, अब ये कोई बंदा सर्जिकल ग्लव्स वहां से डिलीट कर दे फिल्टर करके, मैं इस पे, इस पर ये सर्जिकल ग्लव्स 5 नंबर पे आ रहे हैं, आप उधर से डिलीट करो जरा। ये दो नाम से है, सर्जिकल ग्लव और ग्लव्स। आप जो मुझे ये नजर आ रहा है ना, ये वाला सर्जिकल ग्लव्स, ये डिलीट कर। कर दिया डिलीट, और भी है। यस सर, हो गया। अब देख, आपसे तो हो गया, अब इधर आ, उड़ गया? नहीं, अभी भी नहीं होगा। नहीं, उड़ गया, उड़ गया, ठीक है, उड़ गया, उड़ गया, ठीक हो गया। अब देख, अब कोई और बंदा, कोई दो चार, मतलब ये टैब जो है ना, ये टैब, टैब बी कॉम्प्लेक्स से लेके क्लोरामाइन, डायाजिन, ये कोई चीजें डिलीट करे, बैकेंड से डिलीट कर दे। चले हम बाकी करें। हसन आप करो डिलीट। जी कर रहा हूं मैं। आप ये टैब से ना, ए पहले वाले, ए वाले दोनों कर दो, माइनोफिलाइन और ये एस्प्रिन दोनों डिलीट करो। इस वक्त एसएन मुबीन ज्यादा एंजॉय कर रहा है क्योंकि सारी दवाइयां उसको पता है। नहीं, वो फार्मास्यूटिकल है ना, उस बार को तो अच्छा हुआ, ये भी लिखी हुई, ये भी लिखी हुई है, एस्प्रिन भी आ रही है, अच्छा। एसएन आज टोटली एक्साइटेड, आज उससे रिलेवेंट काम हो रहे हैं। और ये तो किस्मत है, मैंने तो डाटा होटल का खोला था, वो तो चला ही नहीं, इसलिए मैंने ये डाला। हसन डिलीट कर रहे हो? सर कर तो रहा हूँ लेकिन डिलीट हो नहीं रहा ये। क्यों? मैं डिलीट दबा रहा हूँ तो वापस डिलीट होके आ जाता है। नहीं नहीं, इधर से नहीं करना आपने। आपने 37 शीट पे जाएं। 37 में रो डिलीट करनी है फिल्टर लगा के। अच्छा, ओके। 37 में फिल्टर लगा के वो वाली टैबलेट्स की रोज डिलीट करनी है।
ठीक है, इधर से तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपने एस्प्रिन उड़ानी है और अमाइन ए ए वाली दोनों उड़ा दो। दूसरी भी उड़ाओ अमाइनो वाली, खत्म हो रही है यही ऑटो हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना दीदी, वो खत्म हो रहे हैं अभी, वो अमाइनो फिलाइन भी डिलीट कर दे जरा। अच्छा सर ये यूनिक, चले हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सेट नंबर ऑफ यूनिट जो है एसकेयूज हैं, अगर कोई इसमें से कोई रिमूव कर देता है, वो रिमूवल तो हो गया, अब हो सकता है कि वो आपकी नीडेड एसकेयू जिसके बारे में आपने कोई एनालिसिस करते हैं या उसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग लेकर आनी है, तो उसको वापस रिट्रीव करने के लिए हमारे पास कोई हल है? हाँ जी बताओ, एक्सेल में क्या होता है, आपने डिलीट कर दिया, सेव कर लिया तो फर्क हो गया, नहीं तो उसकी कॉपी बनानी पड़ती, ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा जी, ये इसको डिलीट करने दो। हसन है, माइनो फिलाइन हो गया? हाँ हो गया, ठीक है जी। हसन आपने देख लिया, आपने उधर से डिलीट किया, इधर से ऑटो डिलीट हो गया जी, मैं वही देख रहा था सर, साथ ठीक हो गया। अब मजे की बात यह है कि हमने कोई 10-15 स्टेप्स किए हैं पीछे, है ना जी। अब हम आप इसी तरह आप इस शीट में कोई नई चीज ऐड कर दें, कोई डिलीट कर दें, जो मर्जी करी जाए, वहां पे वो ऑटो अपडेट होती रहेगी, क्योंकि मैंने फार्मूला लगा दिया है, वो फार्मूला उस रो में जो भी होगा उठाता रहेगा, ठीक है जी। मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, इस पे एक चीज आती है वर्जन हिस्ट्री, ठीक है, नजर आ रहा है? यस सर। मैं सी वर्जन हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, ये आप देखे राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा किस किस बंदे ने क्या क्या हरकत की, ये देखिए करंट वर्जन में ये कलर नजर आ, अब आप इस पे देखिएगा कलर भी नजर आ रहे हैं, ये जो 5 और 6 नंबर है ये कलर किसका है जी, और ये ऑरेंज सा कलर जो आले रजा साहब का लग रहा है, नहीं ये हसन इफ्तिखार का, ठीक है जी। यहाँ पे ये किसी को नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? टोटल 47 एडिट्स, 47 एडिट्स। अब मैं इस पे क्लिक करता जाऊंगा, आप देखिएगा पहला दूसरा ये सर्कल बन रहा नजर आ रहा है जी सर, तीसरा चौथा पांचवा नजर आ रहा है जी सर, अभी देखे वो आपको वहां लेके जाएगा कलर वाइज, अभी जाने में इसको जरा जी ऐसे पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट काट लेती तुसी। मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं आपको गूगल शीट का हल्का सा खून लगाने लगा मुंह को, अभी एक्सेल नाल ज्यादा चंगा जे, नहीं नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है ठीक है, ये नजर आ रहा है जी किसने क्या किया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जितनी भी एडिटिंग हो रही होगी बैकएंड पे सारी स्टोर हो रही है, और बंदे के नाम के साथ स्टोर हो रही है किस बंदे ने क्या किया। सही। लेकिन एक और इश्यू आ गया, मुझे चाहिए कि मुझे ओरिजिनल शीट चाहिए जो सबसे पहले वाली थी, बाकी सारी चीजें हमने कर को नहीं, मैं कहता हूं जी कि मैंने 8:32 पे पहली शीट ये कही थी, ये मैं खोलता हूं 8:32 पे ये खाली थी, 34 पे अभी ये मैंने दो चीज याद है ये मैंने टाइप किया था, वो आपने पूछा था कंपनी का नाम पूछा फिर था। मैंने कहा नहीं यार हम डाटा उठाते हैं, फिर मैंने अगला स्टेप लिया इसको डिलीट कर दिया, फिर मैंने अगला स्टेप लिया, ये अगला स्टेप था जिस पे वो हमारा डाटा लोड ही नहीं हुआ, वो 15,000 स्टक हो गया था, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं,
इस पे आके मेरा कल हमने ना वो वाला डाटा लोड किया था, होटल वाला, दवाइयों वाला, होटल वाला लोड नहीं हुआ था। अच्छा जी, मैं पहले इसको वापस जाता हूँ ताकि उसकी जान छूट जाए। वर्जन हिस्ट्री, सर एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा। जी, ये जो गूगल शीट है इस पे वो ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलास काम करते हैं जो एक्सेल पे करते हैं? एक्सेल बहुत एडवांस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये है क्लाउड के ऊपर। अब क्लाउड में डिफरेंट चैलेंजेस होती हैं, मैं उसके थोड़े से एग्जांपल्स दूंगा। तो क्योंकि हम अभी, आप ये पहला सबसे बड़ा चैलेंज जो इंटरनेट होता है ना, हर वक्त इंटरनेट हमारे चलते ही नहीं है। जी जी, हमने काम जी, क्या करना है, खेत सवा करना है, हम फंसे ही रहते हैं। अब मैं इस वर्जन पे आता हूँ, मतलब पीछे जिस बंदे ने जो भी डिलीट किया है ना, मुझे उसका टके का फर्क, मुझे कोई टके का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जिस वक्त मर्जी ये बटन बना हुआ है, मैं उस वर्जन को रिस्टोर कर लूंगा, या फिर इसकी एक और ऑप्शन यहाँ पे देखें आप, मेक अ कॉपी, मैं उस वर्जन की एक नई कॉपी भी जनरेट कर सकता हूँ। तो वो जितने भी चेंजेस हैं वो वहीं रह जाएंगे, वो दोबारा से फाइल दोबारा रिट्रीव हो जाएगी? हाँ जी, मतलब आपने जितने जितने भी बीच में काम किए ना, वो काम वहीं के वहीं रह जाएंगे, बाकी हर चीज की कॉपी नई बन जाएगी। ये देखिए, इस पे भी कुछ नहीं, इसमें अब देखते हैं, ये अब होटल बुकिंग अभी यहाँ पे हो, ये देखें जी यहाँ पे अब ये दवाइयां यहाँ पे लोड हुई थी, याद है जी, और जी, ये अभी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है ये। उसके बाद फिर हर, और ये एंड पे हर बंदे ने इस पे फिर चेंजेस किए। मैं वापस चला जाता हूँ जी, ये हमारे पास, ये हमने एक क्यूरी लगाई थी जिसने हमें ये सिंपल, मैंने क्या लिखा था, यूनिक, ऐसे ही जी सर। तो मैंने उससे एक काम कर लिया। अब मैं इसकी आपको एक और चीज बताता हूं, ये मैंने फर्ज करें मैं क्या करता हूं यूनिक के बाद, ये मैं सारा डिलीट कर देता हूं। मुझे यहां पे लगानी है डेटा वैलिडेशन, मैं लगाता हूं जी इस शीट से, इधर कर लेता हूँ UNIQU यूनिक, यहां से सारी यूनिक वैल्यू उठा के मुझे दे दे। ओके, यहाँ पे मैं लगाता हूँ डेटा वैलिडेशन, मैं ऐसे कहता हूँ कि रेंज मुझे दे दे, रेंज ये मैं सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, सेव। अब आप देखिएगा, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके थोड़ा आगे ले जाता हूँ, ये डेटा वैलिडेशन में आपके पास सारी यूनिक वैल्यूज आ गई, आ रही है जी आगे से, ये सारी यूनिक लिस्ट बना ली सर आपने? हाँ जी, लिस्ट बना ली, नहीं मैंने कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे पहले यूनिक वैल्यूज ले ली, ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉप डाउन लगा दिया, ये अब डेटा वैलिडेशन लागू। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, बिस्किट्स है, बिस्किट बेसिक यूनिट है अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं करता हूं जनाब बेसिक यूनिट्स, यहाँ पे मैं करता हूं कि ये मुझे दे दे बेसिक, इसको कट करके यहाँ ले आता हूं ताकि नजर आए, इस पे लिखता हूं बेसिक यूनिट्स, ये सारी चीजें लिख लेता हूं ऐसे ही कंट्रोल सी। अच्छा, मजे की बात, अब मुझे यहां पे वो सारी चीजें चाहिए यहां पे जो लिखी हुई है, मैं क्या करूं, मुझे वहां पे ये चाहिए नीचे को, यहाँ ये ऐसे लिखी हुई है ना,
तो ये मुझे यहाँ नीचे को मैंने कॉपी पेस्ट करनी है, कोई बता सकता है मैं क्या करूँ? तो ट्रांसपोज ले लेंगे फिर स्पेशल। अब ट्रांसपोज में क्या करना पड़ता है? पेज स्पेशल में ट्रांसपोज करना पड़ता है, सही है? जी सर। अगर मैं करूँ टी आर ए एन एस ट्रांसपोज, यहाँ पे जाऊं, इसको सिलेक्ट कर लो, कैसा कैसा लगेगा आपको? ठीक। अब आप बताना का मकसद क्या है कि आपने सिर्फ ये डाटा वही का वही है, ये एक आपने फार्मूला लगाया यूनिक का, जिससे सारी यूनिक वैल्यूज आपने उठा ली। यहाँ पे आपने डाटा वैलिडेशन लगाई इस लिस्ट से, यहाँ पे भी आपने कुछ मैनुअल काम नहीं किया, आपने ट्रांसपोज का फंक्शन, यहाँ बेसिक यूनिट है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मुदस्सर। आप नहीं तो मुझे दोबारा ट्रांसपोज करना पड़ेगा, उधर मुदस्सर आ गया, ऑटो अपडेट हो रहा है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ चिल करना। लेकिन असल चीज क्या है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ जी 5% डेक्सरोर वाटर जो भी है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए इस चीज की, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे चाहिए। एक रिपोर्ट बनाने लगा हूँ छोटी सी, आप सब एक रिपोर्ट बनाने लगा हूँ छोटी सी। मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए कि ये जितने भी इसके यूनिट है या बैलेंस है, ये सारा कुछ अभी मैं सम कराता हूँ, ठीक है? इज इक्वल टू सम, इफ सम करे। अब मैं ये एक ना फार्मूला, जिसको आता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं आता मैं जरा पंजाबी में समझाने लगा हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इज इक्वल टू सम इफ, जमा कर दे अगर, क्या? अब वो कहता है रेंज दे, रेंज का मतलब है, मैं इसको इफ्स कर देता हूँ, थोड़ा आसान रहता है। कहता जी सम इफ्स, मैं उसे कह रहा हूँ जमा कर दो अगर, वो कहता है सम रेंज, मैं कहता हूँ कि इस रेंज को जमा कर दो। रेंज कौन सी है? मैं कहता हूँ ये जो मेरे बेसिक यूनिट्स की रेंज है ना, इसको जमा कर दो कॉमा, इसको जमा कर दो। क्राइटेरिया रेंज वन मेरे से पूछता है कि मैं क्या जमा करूं, जिस तरह मैंने मैच इंडेक्स सिखाया था। मैं उसे कहता हूं कि इस कॉलम में जाए, ए कॉलम में, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ F4 दबा के, यहाँ पे देखिएगा F4, ये फिक्स हो गया। और वो क्या करे, उस शीट में जाके देखे ये 0.9 नॉर्मल सेलोलिन 50 ml कहाँ लिखा हुआ। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ इस जगह पे आ जाए, और इसको फ्रीज कर देता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब 5% डेक्सा क्लोरन वाटर साहब जो है, 5% थे पहले, कॉपी कर लूं, 9% आपने वो जो आइटम सेलेक्ट किए हुए देखे कौन से, कोई और कर लेते हैं, भी होगी वो एक्वाड बेसिक एक्वाड 10 ml एक्वा AQ एक्वा 10 ml। अच्छा वो सम इसलिए नहीं कर रहा, इशू आया, समझ आई किसी को? S लगा हुआ है सर पॉजिटिव। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इस डेटे की थोड़ी सी क्लींजिंग करनी पड़ेगी। चलो शुक्र है, अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बीच में टेक्स्ट चल रहे होंगे जी, ये अब बांदर क्लास सामने ये वो थाउजेंड्स आ रहे हैं इस तरह। हाँ जी हाँ जी, ये है, जब आप रिपोर्ट बनाने लगते हैं तो आपको पता लगता है कि डेटे में बहुत सारे इश्यूज हैं। अब आपने एक्सेल में तो किए थे, मैं यहाँ पे फिल्टर फॉर एवरीवन। अच्छा जी, वो देखे नीचे बेसिक यूनिट पीसीज आ रहे हैं, किसी में आ ही नहीं रहे, किसी में खाली है, ये ब्लैंक है। अच्छा जी, अब इसको क्या करें, वाह वाह वाह, कैंसिल, इसमें जाता हूँ डेटा, डेटा क्लीन, क्लीन सजेशंस। वो कहता जी मैं आपको मशवरा देता हूँ, आपकी ये नजर आ रहा है किसी को राइट साइड पे मशवरे?
क्लीनिंग अप सजेशंस अभी लोड हो रहे हैं जी, अब आ रहे हैं, अब आ गए। वो कितना कुछ ही कहता कहता जी मैं ट्रिम कर दे, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो कहता है मैं डुप्लीकेट उड़ा सकता हूँ, मैं ये एरर्स खत्म कर सकता हूँ, मैं कहता है जी इस तरह की बहुत सारी चीजें। फिर वो कहता है जीरो खत्म कर सकता हूँ, फिर वो कहता है बाद जीरो है वो ठीक डाटा नहीं है। अब ये कहता है कि आईवी कैनवल ग्रीन है, इसमें स्पेसेस आ रही है, मैं स्पेसेस खत्म कर सकता हूँ, बिगनिंग बैलेंस कर सकता हूँ, ट्रिम ऑल कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हमें अभी इसमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए इस पे, मैं क्या करता हूँ कॉलम डालता हूँ लेफ्ट पे डेटा, इसमें देखते हैं जी स्प्लिट। उसमें था ना टेक्स्ट टू कॉलम, आप लोगों ने किया था याद है? जी जी सर। स्प्लिट डिटेक्ट ऑटोमेटिकली, अच्छा जी और की है डिपोस्ट्रॉफी कस्टम नहीं, हम कहते हैं जी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके हमें कुछ करके दिखाओ। उसने क्या किया जी, कर दिया नहीं, उसने जो नंबर्स को नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, बाकी अभी उसने कुछ नहीं किया। ये देखे ना, अच्छा पहले फिल्टर खत्म कर दिया उसने, फिल्टर दोबारा लगाता हूँ। थले आ जाए फिल्टर फॉर एवरीवन। अब देखते हैं जी उसने हमारे लिए कुछ आसानी पैदा की है। लग रही है जी आपको कुछ? As it is वैसे ही है ना, कोई टके का फर्क नहीं पड़ा जी। अब आपको पावर क्यूरी याद आ रही होगी जिसमें आप इसका फायदा ले सकते हैं, किसको ये कर दे वो कर दे। अच्छा जी, इज इक्वल टू क्या था फंक्शन, कोई मुझे बता सकता है मैं इसका हल क्या निकालूं? आप लोगों ने उस पर किया था, anyone can guide me, या मैं ही फिर शुरू कर दूं? मैं ही कर दूं, यहां पे आता हूं, यहां पे लिखता हूं is equal to unique, unique और यहां से यूनिक उठा के मुझे दे दो रेंज। ये यूनिक आ गए जी, कितनी वैल्यूज आ गई मेरे पास, ये टोटल वैल्यूज है तकरीबन 54। मैं कहता हूं जी इसको यही रहने दो, इज इक्वल टू दिस, नो डोंट प्लीज, नो नो, इसको भी वही रहने दो, इसको भी वही रहने, इसको 1000 कर दो, इसको 100 कर दो, इसको भी 100 कर दो, इसको कर दो, ये कर दो, इसको 10 कर दो, इसको 120 कर दो, 12 कर दो, 14, 16, 18, 2, 200, 220, 24, 250, 28, 2, 3, 3, 4, 50। सर किसी और तरीके से नहीं हो सकते इसमें शीट में, मतलब कोई हो सकता फिल्टर करके एस रिमूव कर दें? हो सकता है, इसीलिए कर रहा हूँ मैनुअल, पहले मैनुअल की तकलीफ तो पता लग जाए। यहाँ पे अब 2000 का डाटा हो तो बंदा लिखने बैठ जाए, पता लग जाए उसको, समझ आई मैनुअल। मकसद भी यही है ना कि ये देखो अभी अभी यहाँ तक रहता है, अभी आगे इसमें नंबर्स नहीं है इसलिए इनकी जरूरत भी नहीं। ठीक है जी, ये मैंने इसको किया, अब मैं क्या कराता हूँ,
पहले तो मैं इधर कराता हूँ, इज इक्वल टू, इसको लिखता हूँ बेसिक यूनिट रेक्टिफाइड इज इक्वल टू मैच कराए इस नंबर को इस नंबर इस शीट में कॉमा सिफर और वैल्यू मुझे उठा के दे दे जी इंडेक्स आप जब मैंने सिखाया था ये वाली वैल्यू उठा के लाओ। ये उसने 10 दे दिया, मैं 10 को कॉपी करता हूँ यहाँ तक एंड पे आके यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास देखता हूँ कोई फर्क पड़ा है, नजर आ रहा है सबको कि नहीं? यस सर। ये मैच इंडेक्स फंक्शन से किया आपने? मैंने सिंपल किया है कि मैंने क्या कहा यहाँ पे, मैंने इस दो कॉलम में उसकी सेटिंग कर ली, ठीक है। मैंने क्या कहा उसको कि जहां पे ये 10 एपोस्ट्रॉफी एस लिखा है ना उसको 10 कर दो, ठीक है। अब वहां पे मैच कराया उसको, मैंने कहा जी वहां पे यहाँ पे जो मैं फार्मूला लगाया है, मैंने सिंपल फार्मूला लगाया है कि मैच कराओ B2, B2 का मतलब है 10 को जाके वहां से ढूंढो, ठीक है, शीट 1 में ई कॉलम में, और मुझे उसका एड्रेस दे दो, उस एड्रेस पे जाके फिर शीट 1 में जाके एफ कॉलम में उसके अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी है ना, अगर 10 के अगेंस्ट एफ कॉलम में जो भी इसके आगे 10 पड़ा है ना वो उठा के ले आओ, तो वो मेरे सामने ये वैल्यू लेके आ गए, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया था, सम कराया था बी कॉलम, याद है आप लोग बी कॉलम, मैंने अब वहां पे चेंज कर दिया था, मैं इसको सी कर दूं, जवाब आ गया। यहाँ पे सी है तो बेसिक यूनिट आ गए। अब मुझे अगला बैलेंस भी चाहिए, बैलेंस में भी कोई ऐसी गड़बड़ है या बैलेंस ठीक है? बैलेंस ठीक है लग रहा है, ठीक नहीं बीच में गड़बड़ भी है, इसमें टेक्स्ट भी आ रहा है और माइनस का साइन भी आ रहा है, आ रहा है ना मुख्तलिफ आ रहा है ऐसे ही है, लेकिन वो तो बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, कोई बात नहीं, बिगनिंग बैलेंस जीरो माइनस कैसे हो सकता है? अरे बिगनिंग माइनस उसने रखा होगा, माइनस हो सकता है उसके अगर एक्सपायरी लिफ्टिंग है, हाँ तो उसमें तो माइनस हो सकता है, बैलेंस नेगेटिव के काम है ये, कौन सा बैलेंस सिर्फ एंड पे सर लेटर्स का इशू है, ये 4100 लिखा हुआ है ना, ये 4100, हाँ ठीक है। अभी हम इसकी क्लिंजिंग नहीं करते, अभी पर्पस क्लिंजिंग तो आपको मैंने सिखाई है, अभी पर्पस एक और है, अभी हम एक छोटी सी रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, आपके पास डेटा स्टूडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्सेल भी नहीं है, तो आपके पास घर पे कुछ नहीं है तो गूगल शीट फ्री है, आप इसको कहीं से भी ऑन करें, डेटे को वहां पे रखें और उस पे काम करें। अब आपको मैंने पहले मैंने कौन सा कॉलम सम किया है जी, सी कॉलम, ऐसे ही इधर मैंने फार्मूला सी कॉलम लेके आया हूं ना, नहीं इसको मैंने सी की बजाय हाँ सी कर दिया, सी कर दिया था बी से, ठीक है बेसिक यूनिट सी थे, इसको मैं बी रहने देता हूँ, इसको बी, उसको सी में सही आ गया, अब बैलेंस सही है। अब यहाँ पे जो सी बैलेंस आपने देखा बिगनिंग बैलेंस जो है किस कॉलम में है जी, डी कॉलम, ये है ना डी में, डी ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूले में इसको कर देता हूँ डी, सही है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? पूछे पूछे, इसी का ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा सर मेरा ये क्वेश्चन है सिंपल है, लेकिन मुझे आज तक इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा है कि ये जो हम लॉक करते हैं F4 के साथ, इसका सर क्या फायदा होता है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ रोज को लॉक करते हैं, कुछ कॉलम्स को लॉक करते हैं, तो मैं फॉर्मूला जब हम जी जब हम डॉलर साइन, ये जो डॉलर साइन लगा है ना जी 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 जी, ये डॉलर साइन लगा है, ये जगह डॉलर साइन लेफ्ट साइड पे लगाया जाए
तो ये रोज को लॉक करता है, ठीक है। अगर इसको राइट साइड पे लगाया जाए तो ये कॉलम्स को लॉक करता है, और अगर दोनों जगह पे लगाया जाए तो ये रोज एंड कॉलम दोनों को ब्लॉक करता है। उसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये मुझे जरा रिपोर्ट को थोड़ा सा सीधा पदरा कर लेना, ठीक है जी सर, जी सर, डन। अब पहले हमने सी कॉलम किया, अब डी कॉलम किया, अब आगे हमारे पास कॉलम कौन सा है ये देखते जाइए, आगे हमारे पास ई एफ जी एच कॉलम आ रहे हैं, ठीक है जी। जी सर, मैं इसको कर देता हूं ई, इसको कर देता हूं जी एफ, बात समझ आ रही है? मैरन पार्टी, यस जी सर जी, और इसको मैं कर देता हूं। रजा साहब आपका करने का काम नहीं है लेकिन समझ जरूर ले प्लीज, ठीक हो गया सर जी। जी कॉलम भी हमने कर लिया है, अब हम इसकी ना थोड़ी सी रंग बिरंगे काम कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जो तू इनू काला कर दे, रंग इसका चिटा कर दे। मुनीरा आपको समझ आ रही है? हमारे साथ के नहीं, इसको मैं कहता हूँ सेंटर लाइन कर दे, इन्हें थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। खूबसूरत रिपोर्ट सी बना लिया आपने सर, माशाल्लाह है, मैंने खूबसूरती डाल दिया आपने उसमें माशाल्लाह। आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि काम कोई भी नहीं है, इतना सा काम करके दो ना तो आपके ऑफिस वाले खुश हो जाएंगे। आपके सामने किया, आपने कुछ नहीं किया, ये कर सही, दिया सही। अब इसको हम कहते हैं जी, इसको जरा कॉमे शॉमे लगा दे, जो हमारा मैथ्स का ये जो होता है ना नंबर्स के लिए जरूरी होता है कि डेसिमल हो, ये हो, कॉमा सेपरेटेड हो, और इस तरह से हो। आ रहा नजर जी? जी सर, यस सर। ले जी, अब एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार है सारा कुछ करने के बाद। अब यहाँ से फिल्टर लगा हुआ है, जड़ी दवाई देखनी है, ब्लड गिविंग सेट देख लें। आ गया जी, उसका रिजल्ट आ गया आपके पास? जी सही हो गया। अब आप कोई और देख लेते हैं, हम वेमरोज वेमोरिन, उसके सारी जो वैल्यूज अवेलेबल है वो आ गई, और देख लेते हैं। फेनल पिंक 20 जी आ गई जी, जिसमें जो वैल्यू मौजूद है वो आ रही है। सरेंज एंड नीडल्स 5 ml, रिपोर्ट तैयार है जी? जी सर, जी सर। इसका एक और तरीका कर लेते छोटा सा मजे की बात, रो अब डालते हैं, रो लेफ्ट डालते हैं, इसको कहते हैं थोड़ा सा इधर आ जाओ, इसको हम मर्ज कराते हैं, बल्कि एक रो डाल लेते हैं वो अबव, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं, मर्ज होता है ये वाला गोल को मने वाला, किधर गया मर्ज, लाटू किधर गया, लाटू मर्ज 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 ये मर्ज, मर्ज कर देते हैं, इसको रख देते हैं नाम जी मेडिसिन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी रिपोर्ट, इसको सेंटर लाइन कर देते हैं, सेंटर लाइन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, चौड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं और रंग भर देते हैं कोई लाल काला पीला, अच्छा जी इसके अंदर भी रंग भर देते हैं कोई ये वाला, चलो कोई और भर देते हैं, रंग छिटा कर देते हैं, नजर आ रहा, ठीक है जी। अब मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, इसका एक आउटसाइड बॉर्डर लगा देता हूँ जी, वाह वाह वाह, इसका एक आउटसाइड बॉर्डर लगा देता हूँ जी। तो ये मल्टी अगर आइटम सिलेक्ट करने हो तो वो हो जाएंगे इसमें?
लाइक नहीं, अभी हमने एक, अभी हमने एक सिंगल रिपोर्ट बनाई, सिंगल एसक्यू लिखी है, ठीक है, वो उसके लिए एक एडिशनल चीज होगी, ये है जी डिटेल्स, इसको ये फॉर्मेट कॉपी करके इधर पेस्ट कर दे, ये जी इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, इसको अब आपने बना लिया ये काम, इसकी जरूरत अभी आपको नहीं है, इसको हाइड कर दें, समरी रिपोर्ट। अब ये शीट आप लोगों से शेयर्ड है ना, क्या नाम है अपना, मैं सर, आप डिस्क्रिप्शन में जाके कोई एक वैल्यू, एक एक सिलेक्ट करो, एक एसकेयू, हाँ, उसके बेसिक यूनिट्स चेंज कर दो, उसकी वैल्यूज चेंज कर दो, लेकिन नाम याद रखना, हमें बता दो, हम इधर से उसको फिल्टर कर लो, कोई एग्जांपल ले लेते, ठहर दो, चलिए मैं बताता हूँ, नहीं ठहर दो, आप चेंज कर, मैं ले लेता, मैं कोई चेंज करता हूँ, टैब वाइटामिन, टैब वाइटामिन, ठीक है, टैब वाइटामिन बीसीओ, इधर से मैं फिल्टर कर लू, ये सर्चेबल होती है, इस पे ना, इस पे सर्च भी कर सकते हैं, ये देखो एक्सेल में ये सर्च नहीं होता, टाइप विटामिन बी सी ओ, ठीक है जी, ये मैंने सिलेक्ट कर ली, अब इसमें कुछ, अब इसमें कुछ नहीं आ रहा, आप उधर से आप इसकी इन्वेंटरी चेंज करो, सारी सारे हेड्स में वैल्यू चेंज करो जी, मेडिसिन दिस पहले भी गलत है, मैंने आंदे नहीं, जैसे इग्नोर किते सी का रिपोर्ट से फोकस करो मैं भी यही देखन दिया, मेडिसिन दा की बनया, मेडिसिन दादा साहब, आपको ये जो मैं आज करा रहा हूं, ये भी नई चीज नहीं लग रही हो आप थोड़ी बहुत? जी जी, काफी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो कि सम टाइम मुझे हेल्प आउट करेंगी, मैं उसको देसी तरीकों से तो करता था, इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, हाँ, और ये मैंने अभी ना आप लोगों को ये जिस तरह डेटा स्टूडियो का एक थोड़ा सा टेस्ट दिया था ना, गूगल शीट का टेस्ट दे रहा हूँ कि इसकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट स्टाइल में है, जो मैं आपको कहता था ना कि 200 बंदे काम अगर काम करें तो बैकएंड पे, अब आप सोचें ये आपने एक शीट शेयर कर दी है, 200 बंदे इस शीट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे रिपोर्ट तैयार है, आपने कुछ नहीं करना, वो अपनी एंट्रियां करी जाए, लेकिन उसमें उमेर ने उस वक्त चैलेंज किया आया, उसने कहा जी मैं काम करता हूँ, दूसरा फिल्टर लगा लेता है बंदा, तीसरा फिल्टर लगा लेता है बंदा, चौथा फिल्टर लगा लेता, हूँ की करा मैं, तो मैं उसका भी एक तरीका बताना चाह, अभी मैं आगे बताता हूँ कि एक्चुअली फर्ज करें आपके 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो अपनी शीटों पर काम करी जाए, वो 10 की 10 शीटों का डाटा आपके पास एक गूगल शीट में कैसे आएगा, और उस गूगल शीट से कैसे आप लिंक करेंगे और रिपोर्ट तैयार होगी, इसका मतलब ये हुआ वन टाइम एक्सरसाइज है आप लोगों, मैंने 1000, ठीक हो गया जी, एंट्री की थी आपने ना सर जी, ये जरूर बताना आपने आज प्लीज, अच्छा ये बेसिक यूनिट 100 है आपने उस, तो मैंने एंडिंग बैलेंस जो है वो 1000 लिखा है, हां ये प्लस माइनस करने से बड़ा करें 1000 ही होना चाहिए, मैंने कर चुका हूं मैं, आपने क्या किया है आप चेक करें, बेसिक उसमें टैब इस आइटम के अंदर बेसिक यूनिट के अंदर आ रहा था बॉटल, इसको मैंने किया 100, ठीक है बेसिक यूनिट 100 हो गया, रेक्टिफाइड फार्मूले के मुताबिक भी 100 आ गया, हां ठीक है 100 आ गया, हां ठीक है, आगे बिगिनिंग बैलेंस 1000, क्वांटिटी रिसीव 50, ठीक है जी, ये 1050 हो गया, क्वांटिटी डिस्पेंस हो गए 40, लॉसेस एंड एडजस्टमेंट हो गए 10, तो बकाया फिर वही 1000 आया, 10000 आया जो इधर आपके पास आपके पास एंडिंग, अब आखिरी कॉलम में लॉसेस एंड एडजस्टमेंट के बाद वाला एंडिंग बैलेंस फिजिकल काउंट के 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, ये आगे उसका एच लिखे आप, जी की जगह एच लिखे जी, वो हमने फार्मूला गलत लगाया हुआ है, जी के बाद एच किया ही नहीं हुआ जी,
लो जी ये एच हो गया, जवाब आ गया। यस ठीक है, अब आपको समझ, अब आप लोगों को एक चीज समझ आई है। अब हम देखो, ये समझ लो कि ये यूजर है, आपने यूजर को शीट एक दफा बना के दे दी है, जो आपके ऑफिस में काम करते हैं डेली, हर ऑफिस में यही कुछ होता है, कोई नवी रॉकेट साइंस नहीं हो रही होती, एक फॉर्मेट बना होता है जिसमें लोग काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ तरह से, ऐसे ही है जी सर। वो अपना अपना काम करते रहे और अपने अपने काम से वो जो मर्जी करते रहे, तो आपकी ये रिपोर्ट वो बैकएंड में जो मर्जी बंदा चेंज करे, आपकी रिपोर्ट रेडी है जी। जी सर। अगर यही रिपोर्ट आप एक्सेल में बनाते और 10 बंदों से डाटा एंट्री हो रही होती, तो 10 बंदे आपको शीटें भेजते, तो आपको 10 बंदों से रिपोर्ट आती, और फिर उसके बाद आप उसको पहले एक जगह इकट्ठा करते थ्रू पावर क्यूरी, याद है? जी सर। पावर क्यूरी में एक फाइल बनाते, फाइल बना के फिर उससे आगे उसकी सारा कुछ करते, सारा कुछ करने के बाद फिर एक सपोर्ट बनाते, फिर रिफ्रेश करते, मतलब आप उसमें बहुत सारी प्रोसेस डिजाइन कर रहे होते, ऐसे ही। जी सर। यहाँ पे तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आपने कॉम्प्लेक्स वर्किंग करनी है, आपने कुछ एग्रीगेशन फार्मूलाज बहुत कुछ बनाना है, तो यू शुड गो फॉर एक्सेल एंड पावर क्यूरी। लेकिन अगर आपने कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में डेटा कलेक्शन करनी है और कुछ समरी वर्जन्स देखने हैं, तो यू शुड गो फॉर गूगल शीट। लाइक अब ये सिनेरियो बिजनेस टू बिजनेस है, अगर एग्जांपल ले लें कि आपकी एक शॉप है, आपने कुछ 100 शॉप्स फर्ज करे हैं और हर शॉप से डेटा कलेक्ट करना। अब आजकल तो क्या होता है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन बना देते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में उसको कहते हैं डेटा एंटर कर दो, वो आपके पास बैकएंड पे किसी सर्वर पे आ जाता है। अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की पसली नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी के मोबाइल में गूगल शीट्स इंस्टॉल है? मेरे पास है सर। सर है गूगल शीट्स है मोबाइल में? जी है सर। आप मोबाइल में ये गूगल शीट्स में ये वाली फाइल खोलें जरा अपने अपने मोबाइल में। एप्पल में भी है सर ये फैसिलिटी, ये एंड्रॉइड फोन्स के अंदर ही है। शीट्स की? जी नहीं, एप्पल जो है ना वो लोगों से पसंद नहीं करता कम्युनिकेशन। उसकी कोई कर ली एप्लीकेशंस होंगी। ठीक है, आपको क्या नाम है, हसन, ऐप खोली आपने? जी जी खोल ली है सर, रिपोर्ट खोल ली। रिपोर्ट खोल ली है। अब इसके पास आपकी सारी शीटें नजर आ रही हैं? सारी आ रही हैं, समरी रिपोर्ट, डर्टी सेवन, शीट टू, कॉपी और सीन सेवन, पांच आ रही हैं। अब आप देखो कि आप फर्ज करो सेल्स के बंदे हो और आप मार्केट में निकले हुए हो, आपने 50 बंदों को बैकेंड पे शीटें बना के दी हुई है और उनको कहते हो कि जो जो बंदा जो सेल करता जाता है बैकएंड पे वो अपनी शीट में एंट्री करता जाए, फ्रंट एंड पे आपने एक शीट बना ली है और मोबाइल पे आप देखी जा रही हो, इंटरनेट आपके पास हर वक्त मौजूद है, तो ये सोचो कि स्मार्टनेस ऑफ वर्क किस लेवल की हो सकती है। नो डाउट, सही कह रहे हैं आप। और इसी के अगेंस्ट अगर सोचो कि 15 बंदे या 20, फर्ज करो आपके 20 ऑफिस है और हर ऑफिस में एक बंदा एक्सेल शीट बना रहा है, वो डे एंड पे आपको एक्सेल शीट भेजता है, आपने एक बंदा रखा हुआ है वो एक्सेल शीटें डाउनलोड करेगा, उसको फिर कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करके एक जगह एक मास्टर फाइल तैयार करेगा, वहां से फार्मूले लगे होंगे तो ऑटो उठा लेगा, नहीं तो वो फार्मूले लगाएगा और डेली वो ये एक्सरसाइज कर रहा होगा, लेकिन उसके लिए आपको डे एंड का वेट करना पड़ेगा जिसमें वो रात 9 बजे तक बैठा रहेगा, ऐसे ही है। तो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के लिए गूगल शीट का आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ आप सब लोगों को कि हाउ इट कैन, और ये लाइव है, व्हाट एवर यू आर डूइंग बैकएंड पे जो बंदा भी यूजर चेंज करेगा वो आपके पास लाइव नजर आ रहा होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, 4 फार्मूले लगाए, दैट्स इट। ये रिपोर्ट आपके सामने तैयार है, इसके और रंग भर लेते हैं जैसे मर्जी रंग भर लें, ये तो मैंने सिंपल सा
वो डाटा सेटअप चला नहीं होटल वाला, नहीं तो मैं आपको पूरा ट्रेवलिंग ट्रेवल एजेंसी बना के देता यहाँ पे। अभी वो होटल बुकिंग का था तो मैं आपको पूरी ट्रेवल एजेंसी बना के देता कि बुकिंग ऑनलाइन कैसे कर सकते। वो डाटा बड़ा था इसलिए वो नेट का कोई इशू चल रहा था। ठीक हो गया, समझ आई है जी किसी को कोई बात? जी सर, जी सर। ये रिपोर्ट अब आप लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक किसी भी डाटा सेट के ऊपर इस तरह से रिपोर्ट बना के देखिएगा। ये तो एक सैंपल डाटा सेट था ना, एक पूरी रिपोर्ट तैयार है आपको मैं बता रहा हूँ। और इसमें एक्सेल में ये फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते बी यू, ठीक है? फिल्टर के अंदर जाके लिखना पड़ता है। जी जी, आपको स्क्रोल करके देखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो डिजाइन करना पड़ता है जो मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, ये खोलता हूँ। एक और चीज, यहाँ पे मैंने एक यूनिक का फार्मूला लगाया, देखा आपने जी। लेकिन अगर मुझे ये डाटा सॉर्ट भी करना हो, अभी तो ये मेरा ख्याल सॉर्टेड है, हाँ सॉर्टेड है। अगर मुझे ऑटो सॉर्ट इसमें वो सी डैश एक आ रही है, वो चेक करें क्या आ रही है। वो एरर ही है ना, कोई बात नहीं, डाटा ही है ना, लेकिन ये अभी सॉर्टेड है, सॉर्ट में ही आ रहा है ना। इसका एक और तरीका भी होता है, यहाँ पे मैं लिखूं SORT सॉर्ट, यहाँ पे आके कॉमा फॉल्स ब्रैकेट बंद, कॉमा वन, नहीं वन से नहीं, ये भी मैं आपको इसमें गूगल शीट में ना आपको फार्मूले लिखने पड़ते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ये जो गूगल शीट होती है ये जब आपके इसके थोड़ी थोड़ी ये चीज लिखना सीख जाते हैं ना, तो ये एक्चुअली ये सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो आप सीक्वल सुनते हैं ना SQL सीख लो, SQL सीख लो, ये एक्चुअली सीक्वल लैंग्वेज जो है ना उसकी तरह से ये काम करती है। मैं इस पे आपको एक और चीज करके दिखाने लगा हूं। इसी शीट के ऊपर एक फंक्शन होता है क्यूरी, अभी आप देखिएगा, मैं एक और शीट बनाता हूँ, जरा गौर देखिएगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ इज इक्वल टू क्यूरी, ठीक है जी। क्यूरी में मैं कहता हूँ जी के, देख रहे हैं जी, जी जी, मैं कहता हूँ यहां से लेके यहां तक हर चीज मुझे क्यूरी करके दे दो। क्या हुआ, पता चला उसने हर चीज उठा के यहाँ पे लिख दी। सिंपल, किसी बंदे ने शीट बनाई हुई है ना, आपने उस शीट को अपने पास लेके आना, तो एक छोटा सा फंक्शन ये देखे, मैंने सिंपल लिखा क्यूरी, सारा कॉलम उठा के ले आया। मैं सारे कॉलम लेना ही नहीं चाहता, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ए बी दे दो फंक्शन, मुझे सिर्फ ए बी कॉलम चाहिए। हाँ जी, एक्सेल में ये कितना एक्सेल में आसान हुआ या यहाँ पे? इसमें नहीं, एक्सेल में यहाँ आसान है सर। वाव, 365 में है, लेकिन 365 जो ऑफिस है ना वो अभी पेड है। मैं कहता हूँ ए बी कॉलम दे दो, चलो मैं ए बी नहीं चाहता, मैं कहता हूँ मुझे ए सी कॉलम चाहिए। देखिए ए से सी आ गया, ऐसे ही है जी सर। मैं कहता हूँ तो मुझे ए दे दो, ये ए और सी अगर करें, यानी कि मुझे ए कॉलम चाहिए और डी कॉलम चाहिए, ये नहीं, हम डी कॉलम लिख के देखते हैं क्या पॉसिबल है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल। अब एक रेंज है ना सर, नहीं ठहर दे ना, अभी मैंने पूरा पूरा उठा लिया, ठीक है? नहीं नहीं, हेलो जी। अब देखो मैं कहता हूँ क्यूरी कर दे, लेकिन जी जी सुन रहे हैं सर, SQLEC सिलेक्ट ए डी और डी चुक दे इसमें मुझे ठहर जाओ, इसमें ना सिंटैक्स में थोड़ा सा फर्क होता है,
हेडर्स नहीं, हेडर्स नहीं, हेडर्स मैंने कल ही लगाई थी क्योंकि तो रट्टा नहीं मुझसे लगता, तो मैं अपनी रट्टा मैं लगाता भी नहीं, तो मैं अपनी वो शीट खोल के ना और चल पड़े हो शीट। ये मैंने अपने बॉस को लगा के दिया था, मैंने कहा मैं आपको नहीं इस पे नहीं था सॉरी सॉरी कैम्ब्रिज आउटस्टैंडर्ड कैम्ब्रिज चलो कुआं जी मैं वही किया ये कॉमा भी पढ़ा सी बिच अच्छा वो कहता सिलेक्ट वड्डा लिखो इसमें ये सिंटैक्स का थोड़ा सा पटा रहता है ये आपने ध्यान में रखना ए बी सी डी एफ जी एच ए बी चलो लादे पहलवान इस तरह कराइए कोई कॉमा वाला सीन तो नहीं है कॉमा लगा के ये नहीं है देखो सिलेक्ट एफ मैंने लगाया हुआ है सिंपल सिलेक्ट एफ काउंट एफ वो तो मैंने आगे कैलकुलेशन कराई थी ना इसमें भी मैंने लगाया टैब सिंगल कॉलम के थ्रू हाँ ये जो ये फॉर्मूला जो अंदाजा हो रहा है ये हो रहा है कि काउंट आपने कहा है कि एफ के मुताबिक ही करे नहीं वो मैं आप वाली चीज करना चाह रहा हूँ ना अच्छा सिलेक्ट ए के बाद सिलेक्ट ए अच्छा ठीक बी डी बी फिल्टर खत्म करो फिर लगाते हैं सिलेक्ट ए बी ब्रैकेट बंद चलो हाँ जी इसकी क्यूरी इधर से देख लेते हैं साडा कड़ा बिल आंदा क्यूरी फंक्शन इन गूगल शीट्स सिलेक्ट स्टेटमेंट दस दे इसकी ना इसमें आपको थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है ये पूरी सीक्वल की ना बेसिक्स है आप okay. सेलेक्ट एबीसी दिखा दे ये देखो ना ये नजर आया ये सारा वही है सिलेक्ट ए बी जी अच्छा कंडीशन लगाओ कहता है कॉमा वही है सर कॉमा आ रहा है ना सर मैंने कॉमा लगाया था आप सिलेक्ट ए कॉमा फिर डी करें नहीं नहीं कॉमा तो मैं लगा रहा हूँ कॉमा डी भी कर दूं कॉमा उठा नहीं रहा वो नहीं 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 लगा रहे नहीं अब लगाया नहीं फिर भी नहीं उठा रहा ना स्पेस ज्यादा नहीं हो रही नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर वो स्पेस ज्यादा नहीं हो रही नहीं नहीं उससे सर इसपे कोई कंडीशनल तो नहीं लगनी कंडीशन हाँ कंडीशन ही लगनी इसीलिए तो मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये लगानी पड़ेगी कि वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी अब मैं जाता हूँ इसमें वेयर डी इज इक्वल टू 10,000 कर देते 100,000 कर देते सेलेक्ट ए एंड डी वेयर डी इज इक्वल टू 1,000 चलो भी पहलवान हूँ की मसला फार्मूला पा
वेयर डी इज इक्वल टू 1000। सही लाया सी हमने जरा कर। अच्छा सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स इसके सिर्फ आपने ना। अच्छा तो इसमें सिंटैक्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर सिंटैक्स जी सर ये मैं कह रहा था कि इसका सिंटैक्स मेरा थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ये एच के बाद कॉमा, ए एच सर, एच के बाद कॉमा, ए एच के बाद कॉमा। ओ वड़ गए भाई, घंटा हो गया इससे दलील हो रहे हैं। मैं वही देखन दिया ये ऐसे ने देखे। मैं देखन दिया कि चुकता क्यों नहीं किया। ये ऐसा ने नोट किया कि हमने ना एच के बाद कॉमा नहीं लगा रहे हम। जबरदस्त यार, वैसे जबरदस्त। अब आप अच्छा, जो जितने भी ये 10,000 वाले जितनी है ये वही उठा के लेके आया। ये देखो आपके साथ मैं फिल्टर लगाता हूँ ना अभी। लगा हुआ सर ये, लग गया है। 1000 वाली सिर्फ आ रही है। नहीं यहाँ पे फिल्टर लगा के दिखाता हूँ ना यार, मुझे ठहर जो वो हमारे साथ है कि नहीं। मुनीरा का मैं देख रहा था, मुनीरा आप साथ है? नहीं है सर, आप शीट गायब हो गई। हाँ जी एक मिनट, शीट आ जाती है। हाँ जी आ गई जी सर। अब ये देखो ना, हसन आप साथ हो? हसन साथ है। अच्छा हसन ठीक है। अब ये देखो आपने कंडीशन लगाई है उसने उठा ली। अब आप देखो आपने कहा जी कि कंडीशन क्या लगाई, सिलेक्ट ए एंड डी वेयर डी इज इक्वल टू 1000। तो आपने यहाँ से 1000 उठा लिया। आप कहते हो जी इधर ही मैं अब कंडीशन लगाने लगा हूँ वेयर डी इज ग्रेटर देन 1000। आ गया ये सारा आ गया। वाह आप इस पे लगा दो ग्रेटर देन इक्वल टू वो हजार भी आ जाएगा। ठीक है आप कहते हो सिलेक्ट ए डी ए बी कॉमा डी वेयर दिस, आपका बेसिक यूनिट भी उठा लिया उसने। आप उसको कहते हो नहीं बी नहीं हमारा रेक्टिफाइड वाला दो सी, तो सी छोटा सी डाला उन्हें पता ही लगा। केस सेंसिटिव है ना। ठीक है समझ आई? यस सर ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हैं ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही है सर। ठीक है अब आप इस इन दो तीन फंक्शंस को गूगल शीट में टेस्ट कर लेना। ठीक है ठीक सर। बस अब हम इससे पहले तो मैं एंड पे ना थोड़ा सा काम तो बहुत ज्यादा है। आप ये मेरा ख्याल है इस पे अब आप ट्राइयां कर सकते हो। ये देखो मैंने जो आपको प्यूरी फंक्शन बताया ना, किसी डेटा सेट के ऊपर कुछ भी लगा सकते हो। उसकी एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। ये देखो मैं लगाता हूँ ना, ये देखो वेयर इज इक्वल टू नो, आपने जो भी डाटा, ये समझ लो ये सीक्वल है। जो जो लोग आपको कहते हैं ना सीक्वल लैंग्वेज आती कि नहीं, एसक्यूएल आती कि नहीं आती, ये सीक्वल लैंग्वेज की क्यूरीज हैं जो गूगल ने अपने पास भी डाल दी। उसमें सिलेक्ट ही होता है कि सिलेक्ट करो ये, उसमें ए बी सी डी वेयर एफ इज ग्रेटर, मतलब ये कॉलम उठा के मुझे दे दो। इसी में ग्रुप वाई भी होता है जो मैंने इधर लगाया हुआ था ना, अभी मैं दिखाता हूँ उसको। ग्रुप बाय मैंने कराया हुआ था, ये काउंट है ना ग्रुप बाय एफ, क्योंकि मुझे समरी चाहिए थी। तो आप इसको अब एक्सप्लोर करना, इस फंक्शन को आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है ठीक हो गया। अब ये शीट आप लोग से शेयर्ड भी है। लेक्चर सिक्स हर जगह पे सेव, लेक्चर सिक्स प्रैक्टिस शीट। ठीक है जी अब मैं इसको कर रहा हूं बंद। मैं आपको एक ये आप लोगों से शेयर्ड है शीट। ठीक है जी सर। सर मेरे साथ नहीं है सर शेयर्ड सर, क्योंकि मेरा वो लैपटॉप नहीं था। कोई बात नहीं, आप अपना जीमेल एड्रेस मुझे बता दो, मैं उस पे शेयर कर देता हूँ। जी डन सर। खैर जो अभी बता दो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, फिर जब मर्जी खोल लेना। जी मैंने इस पे नहीं खोलना, मैंने ईगल जी पे मेरे अपनी जाति का खोलना।
ये वाली आप अपना ईमेल एड्रेस बताओ, मैं आपसे शेयर करता हूँ ना फिर आपने ये आपका अगर जीमेल का एड्रेस है तो एप्पल पे ऊपर भी ये खुल रही है। चलो मुबारक हो फिर तो। उस्मान बताओ। मोहम्मद डॉट उस्मान MU के साथ है सर। मोहम्मद MUHAWMAD डॉट उस्मान डॉट उस्मान 6006 एट जीमेल। जी सर अभी उठा लेता है तो बताता हूँ। ठीक है तस्वीर नहीं लगी हुई आपकी? लगी हुई लेकिन सर शायद वो अभी शो नहीं करेगा। नहीं ट्रिपल M आ गया MUHAWMADUS ये भी गलत है ना। देखा उस मान आ गई तस्वीर। देखा हूँ पता लग गया। ठीक हो गया जी ये भी आ गया। अब शेयर नहीं है जी भी सेंड कर दें। आप आ गई हैं सर? मैं आ गई थी। अच्छा आपका आईडी क्या था सर? नरमीन तू ANAR इधर गया MWEN ANAR MWEN TOOR आगे @gmail.com @gmail.com यही है देखो जो सामने आया। यस सर ये भी आपसे शेयर होगी। आप लोगों ने आज एक प्रॉपर गूगल शीट में रिपोर्ट बनाना भी सीखी है और एक रिपोर्ट में से बहुत सारा डाटा मुख्तलिफ स्टाइल में समरी करना भी सीखा है। अब इस क्यूरी फंक्शन के ऊपर बहुत प्रैक्टिस की जा सकती है कंडीशंस लगा के। आप ये समझ लें कि आपका डाटा है जिस तरह ऑनलाइन से जो डाटा क्यूरी किया जाता है वो ऐसे ही टेक्स्ट में क्यूरीज लिख के किया जाता है। ये सीक्वल लैंग्वेज है तो पावर क्यूरी के अंदर आपने जो सीखी थी वो एम लैंग्वेज है जो बैकहेंड पे कोड लिख रही होती है। वो भी जब आप कोड लिख लेते हैं कोड खोल के देखें ना तो बैकहेंड पे कोड लिखा जा रहा होता है। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज एंड पे कराता हूँ उस चीज को भी फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन इसका सिर्फ नुकसान ये है कि ये सिर्फ कंपनी अकाउंट पे ये जो है ना ये पावर बीआई का डैशबोर्ड है ये सिर्फ कंपनी अकाउंट के ऊपर चलता है जाती अकाउंट के ऊपर पावर बीआई नहीं चलती। मैं सिर्फ पावर बीआई खोल के दिखाता हूँ किसी ने देखी हुई है कि नहीं? जी सर मैंने इसका व्यू किया है वैसे ऑनलाइन ही लेकिन पर्सनली यूज किया कभी। मेरा आप लोगों ने पावर बीआई देखी है पेड आई थिंक मेरा आप लोगों ने देखी है? उनकी बिजली बंद हो गई? नहीं उनको आवाज नहीं आ रही। मेरा आवाज आ रही है? आ रही है जी सर। सेल्स ट्रांसफर सेल्स रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन जी जल्दी से खोलें पावर सेल्स रिपोर्ट वाली तरह जल्दी जल्दी खोल देंगे हमें जल्दी समझ आ जाती है सेल वाली। मैंने ये बनाई नहीं हुई ना खोलूं क्या इसमें। मैंने कल एक बनाई मैंने आपने हमारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। कोई बात नहीं अभी इस अभी सेल्स रिपोर्ट इसमें कौन सा टाइम है अभी कोई भी डाटा सेट बना के फौरन बन सकती है वो तो कोई मसला नहीं है। तो अच्छा मैं आपको यहाँ जो मैंने बनाई हुई है वो खोल के बीआई के अंदर जो थोड़ी बहुत वीडियोस मैंने देखी थी उसके अंदर वो पिक्चर इंसर्ट करके भी हो जाता है तो वो पिक्चर भी साथ में दिखा रहा होता है। नहीं नहीं आप ये मैंने आपको ये तस्वीरें ही लगी हुई है जी, जी 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 ये देखो फिल्टर लगे हुए हैं यहाँ से फिल्टर सिलेक्ट करो। यस सर यही लेकिन तस्वीर चेंज नहीं होती तस्वीर स्टैटिक है। अगर हम रेंज चेंज करेंगे तो उसके अंदर जो जो लोग अलग आ रहे हैं वो पे आप बैकएंड पे आपको काफी प्लान बनाना पड़ता है। ये असल चीज ये देखें आप ये जो डैशबोर्ड एक नजर आया आपको खुला जी सर। अब ये एक सिंपल डैशबोर्ड है असल चीज वही है। देखो ये मैंने फिल्टर्स लगा दिए सारे जो मैंने आपको वहां पे दिखाए थे गूगल डाटा स्टूडियो में यहाँ पर भी फिल्टर सारे लग जाते हैं। लेकिन असल चीज फिर वही वाली बात है इस सारी चीज के पीछे ना जो चीज मैटर करती है वो ये आपका टेबल है जो आपने
क्लीन करके टेबल प्रोड्यूस करना है, नजर आ रहा है जी सर? ये टेबल कैसे बनाना है, ये सारी रॉकेट साइंस है। इसकी पावर क्यूरी है, इसकी क्या नाम है, पावर बी आई की। इसमें मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करता हूँ, ये बिल्कुल वही पावर क्यूरी खुल गई है जो एक्सेल के अंदर होती है, आपको याद होगी जी जी, ठीक है। लेकिन इसमें और बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सेल में नहीं खुलेगी, ये पीबीए ही फाइल होती है, पावर बीए फाइल, और ये पावर बीए फाइल ही इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, और ये लाइव वेब पे चली जाती है, वहीं पे आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारे फंक्शन है जो है, लेकिन इसमें एक और चीज आपको दिखा दूं, ये देखे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में, ये देखे लिखा हुआ रन पाइथन स्क्रिप्ट, रन आर स्क्रिप्ट जी, आप पाइथन लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिख के यहाँ पे चला सकते हैं, आर लैंग्वेज में चला सकते हैं, इवन इसके अंदर आप अजूर जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर है जिसके ऊपर आप आजकल माइक्रोसॉफ्ट का सीआरएम है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स अजूर, ये सारी इस माइक्रोसॉफ्ट की चीजें हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आप जब एडवांस एडिटर में जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे भी कोड ही लिखा गया है, ये इसकी अपनी एम लैंग्वेज है, वहां पे वो सिलेक्ट करता था ना, यहाँ पे ये मुख्तलिफ हर बंदे हर एक की अपनी लैंग्वेज है। तो आपकी जो मैं फिर बता रहा हूँ, आपने जो 90% आपका काम 80% काम है ना, वो टेबल बनाना है। अगर आप लोग टेबल बनाना सीख गए ना, तो आउटपुट इज सिंपली 20% जो मैंने पहले लेक्चर में कहा था, याद है जी? जी सर। आज आप लोगों को एक मजे की चीज दिखाता हूँ, मैंने आज की थी ये, तो पावर बी आई ठहर तो काम हो जाए, पावर बी आई में भी एक अगले में ना एक हल्का सा डैशबोर्ड आपको बना के दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों का इसका भी थोड़ा सा चस्का पूरा हो जाए, आपको पावर बी आई के टूल की भी समझ आ जाए। आज मैंने एक छोटी सी चीज बनाई थी ऑफिस में अपने किसी पर्पज के लिए, तो मैं वो दिखाता हूँ, किसमें थी एक, मैं आज ना सैंपल बनाया था, ये मैंने एक फाइल बनाई है, जुल्फिकार साहब कह रहे हैं मुझे भी ऐड कर रहे, शीट मैंने बंद कर दी भला, नहीं स्क्रीन में मैं इधर से इनको कॉपी करके ना, जुल्फिकार ये मैंने ना आज एक काम किया था, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ सिर्फ। What I did is, जी सर, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ मैंने इसके अंदर क्यूरीज बनाई है, और ये क्यूरीज बैकएंड पे कोई हर क्यूरी के पीछे 15 फाइलें। मैंने क्या किया है कि एक एक टेबल बनाया है, अब मैं सारे टेबल इकट्ठे करूंगा, एक मास्टर टेबल तैयार करूंगा, फिर मैं उस मास्टर टेबल से एक डैशबोर्ड बनाऊंगा, वो डैशबोर्ड जो है ना वो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा होता है। ये खुल जाए जरा, तो अभी मैं ना रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ जो मैंने आज बीकन हाउस के लिए बनाई है, ठीक है, ताकि वो रिकॉर्डिंग में ना आए, वो दैट इज टोटली वेरी स्टॉप, वीडियो नहीं रिकॉर्डिंग रोक रही मैंने, इधर से रोक रही, इधर था